हेलो हाय एवरीवन, तो मेरी सेकंड वीडियो को भी बहुत सारा प्यार मिला. थैंक यू सो मच. एंड ऑल आई एम हियर विद माय थर्ड वीडियो. सो लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, इट्स क्वारंटीन टाइम या क्वारंटाइन टाइम. तो इस पे मैंने कुछ लिखा है कि मतलब इसके इस सिचुएशन को बयान करते हुए कुछ लिखा है, और थोड़ा अलग डिफरेंट स्टाइल में लिखा है. ये मेरा स्टाइल नहीं है, तो आई विश एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगे. और तो मैं शुरू करती हूँ. ओके, न सैटरडे की रिक्वायरमेंट है, ना संडे का एक्साइटमेंट है, और फोन उठाओ तो बस नॉवल कोरोना वायरस से बचने का एडवर्टाइजमेंट है. घर पे इतने बोर हुए हैं, खुद से ही डिसअपॉइंटमेंट है. नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पुराने हो गए, अब तो रामायण से ही एनलाइटमेंट है. जो कभी किचन में जाती नहीं थी आज फुल ऑन कुकिंग से सेटलमेंट है. और जिनकी सुबह ही 3 बजे होती थी, आज उनके पास भी सुबह से एम्प्लॉयमेंट है. लॉकडाउन पे सबके पास हर चीज का जजमेंट है. सबका अपना नजरिया है और सबके पास कुछ कमेंट है. कुछ लोगों के लिए हर चीज का मसला सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट है, और कुछ के पास सबूत के साथ एक ही कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है. कोई पबजी में प्रो होगा, कोई सब्जी में PhD लेगा. कोई पबजी में प्रो होगा और कोई सब्जी में PhD लेगा. और किसी की डायरी में लॉकडाउन के बाद अपने बाबू सोना के लिए अपॉइंटमेंट है. घर वालों के ताने भी हैं, कुछ प्यारे पल सुहाने भी हैं. हंसी मजाक है सभी के बीच, और सुट्टे मारने के बहाने भी हैं. लेकिन एक बात है गौर करने की कि आज हम जैसे फॉलो कर रहे हैं इस क्वारंटाइन को, ये भी अपने आप में एक डेवलपमेंट है. सब ठीक हो जाएगा इस होप से, आज जो तुम बंद हो, ये जान लो ये कोरोना पे हमारी एक बड़ा एकॉम्प्लिशमेंट है. थैंक यू.